नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। मैं पूनम मिश्रा, खरका वार्ड प्रथम की पार्षद। अभी आपने देखा होगा इस जो शनि मंदिर के पीछे बनाने स्थान घाट है और जहाँ पर लगातार लाशों का सिलसिला बढ़ रहा है और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल ध्यान दिया है और साफ सफाई बराबर होती रहती है। इस समय इसमें अभी टेंट शेड वगैरह लगना है, अभी थोड़ा काम वहाँ चल भी रहा था उसके सौंदर्यीकरण का, और साफ सफाई व्यवस्था हो सकता है कि थोड़ा सा इस समय डिस्टर्बेंस आया हो, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो सफाई कर्मी हैं वही सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहे हैं और नगर निगम की टीमें जो है पूरा लगी हुई है सफाई व्यवस्था में भी, सैनिटाइजेशन भी, तो हो सकता है कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हो। वैसे ऐसा कोशिश करते हैं कि पूरी पूरी सफाई व्यवस्था रहे ठीक ठाक। नहीं मैडम, मैं बता देता हूँ, मैं आपको 4 दिन पहले मैं वहाँ पर गया था और मैंने देखा था कि वहाँ इतनी गंदगी थी, जबकि हिंदू परंपरा में ये होता है कि अगर हम किसी मृत व्यक्ति को लेके जाते हैं तो उसका भी नहा धुला करके साफ सुथरा लेके जाते हैं, तो पवित्र मानते हैं। ऐसे में अगल बगल गंदगी थी, जिसके लिए मैंने वहाँ पर संगीता सिंह जो नोडल अधिकारी हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने थोड़ा समय दे दीजिए और मैं साफ सफाई करा दूँगी। आज देखा तो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गंदगी थी, क्या आप इससे अभी आप वहाँ नहीं गए? थोड़ा सा एक्चुअली हमारा स्वास्थ्य इस समय गड़बड़ चल रहा था, वैसे गए थे, हमारी बात बराबर होती रहती है। लखनऊ के तेलीबाग में स्थित शमशान घाट में, जिसकी देखरेख का नगर निगम जॉन 8 का जिम्मा है। जिस तरह लखनऊ के सभी शमशान घाटों पर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं नगर निगम के जॉनल 8 की लापरवाही साफ देखी जा सकती है आज। जी हां, शमशान घाट की साफ सफाई की अगर बात करें तो इसकी सफाई ना के बराबर ही है। हालांकि इसकी साफ़ सफाई को लेकर के 4 दिन पहले ही हमारे संवाददाता भारत भूषण ने जोनल 8 की जोनल अधिकारी संगीता सिंह से फ़ोन पर बात करी थी। उन्होंने शमशान घाट की गंदगी के बारे में बताया था। यहां तक जोनल अधिकारी संगीता सिंह ने शमशान घाट की सफाई को लेकर के चकाचौंध व्यवस्था का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज भी शमशान घाट में गंदगी साफ देखने को मिल रही है, जिसके चलते आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं इस समय शनि मंदिर तेलीबाग के शमशान घाट के पास खड़ा हूं और शमशान घाट में ही खड़ा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर लगातार लाशों का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। जिस तरह कोरोना ने अपना पैर फैला रखे है और जिस तरह म्यादी बुखार भी इस समय उसका सहयोगी होकर के लगातार मौतों का इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप ये बात कहें और ये शमशान घाट जो जोनल 8 में आता है और जिसकी साफ सफाई के बारे में हम बात करें, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इसकी साफ सफाई दिखाएं और कितनी साफ सफाई है। ये देखिए एक कूड़े का ढेर जो कि बता रहा है कि यहाँ कितनी लापरवाही होती है। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ पर जिस तरह अन्य शमशान घाटों पर मृत्यु की एक पर्ची बनती है जो सरकारी पर्ची होती है, जो बाद में दिखाई कई सरकारी मामलों में काम आती है, यहाँ पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक बाबा जी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बावजूद वो एक पर्ची देते हैं, जो पर्ची लेकर के आप सभासद के पास जाएंगे और सभासद वो आपको अपने लेटर पैड पर लिख के देगा, तब नगर निगम आपको ये जिसे कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी पर्ची लिखाए और सभासद के पास जाकर के अपना एक उनसे लेटर पैड पे लिखा करके एक प्रमाण पत्र नहीं बना सकता? आइए बात करते हैं। सिस्टम नहीं, हाँ ठीक, मैंने उनसे पूछा, उसने बाद हमने कहा कोरोना बॉडी है, इन्होंने मुझसे बताया कि कोरोना बॉडी नहीं ना। आगे आइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, मैंने इनसे भी पूछा ये कोरोना बॉडी, इन्होंने कहा कोरोना बॉडी नहीं है। आइए आगे और दिखाता हूँ।
इनसे भी पूछा भैया कोरोना बाड़ी है आपकी, इन्होंने कहा कोरोना बाड़ी नहीं है। मैं सारी आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, आइए आप। ये तीसरी ये चौथी बाड़ी है, मैंने इनसे भी पूछा आपकी कोरोना बाड़ी, इन्होंने कहा कि ये भी कोरोना बाड़ी नहीं। मैं आपको सारी न्यूज़ दे रहा हूँ, मेरे पास वीडियो है, आइए। ये अच्छा आदमी था, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मर गई है, ठीक है, ये सब कोरोना बाड़ी फूंक रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं अपनी माँ को फूंक रहा हूँ तो ये लोग उसको मार रहे हैं। तेलीबाग के शमशान घाट पर जहाँ गंदगी बेशुमार देखने को मिली, यहाँ पर कोई भी सरकारी व्यवस्था भी उपस्थित नहीं है। पेश है हमारे वरिष्ठ पत्रकार भरत भूषण के साथ कैमरामैन दानिश कुरैशी की खास रिपोर्ट, देखते रहिए उदित राज न्यूज। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात, फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ, धन्यवाद।